कड़ी धूप में साइकिल लेके जाता था मैं सामान लाने। टूटा साइकिल था, चेन टूट जाता था, सीट खोल जाता था। बहुत मेहनत किया ये इस दुकान को खड़ा करने के लिए, और उसका जो एक्सपीरियंस है पिछले 8 साल का, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो फर्क तो पड़ेगा ना गाइस, जब आपके बारे में लोग बोलेंगे यार आप पागल हो। गाइस आप लोगों से एक सवाल है मेरा, क्या मुझे देख के लगता है कि मैं पागल हूँ, मेरा मेंटल हेल्थ सही नहीं है, या मतलब हमारे यहाँ के लोग मुझे काफ़ी सारे कमेंट मेरे ऊपर कर रहे हैं। मैं जब वीडियोस बनाता हूँ उस टाइम तो लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा, वो तो पता है, क्योंकि गांव क्षेत्र में ऐसे मोबाइल लेके आप वीडियोस बनाएंगे तो काफ़ी सारे लोग, या तो उनके लिए वो चीज़ नया होता है, या मतलब मेरा स्क्रू जो है दिमाग का वो ढीला है, या मैं ये यूट्यूब में चैनल बना के आप लोगों को जो मेरा पिछले लगभग 9 साल का जो शॉप चलाने का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्या वो गलत करता हूँ? आपको जो भी थोड़ा बोरा बिजनेस नॉलेज मेरे पास है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो गलत करता हूँ? तो चलो ये अलग बात है। पिछले कई मतलब जब से मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तब से इन लोगों का मेंटल टॉर्चर जो है मैं सहन कर रहा हूँ, बट हाल ही के कुछ दिनों में इन लोगों का कुछ ज़्यादा ही हो गया। उस टाइम पे सब नॉर्मल था क्योंकि मेरे चैनल पे लगभग 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं था और मैं वीडियोस बनाता था, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता था उतना क्या उखाड़ लेगा ये। बट अभी के टाइम पे मजाक उस टाइम भी बनाता था, बट अभी के टाइम पे जब मेरा वीडियोस 2-4 वीडियोस वायरल जाने लगा और सब्सक्राइबर की बारिश होने लगी, अभी तो क्या मतलब मुझे इतना जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरा 10K सब्सक्राइबर अभी होने वाला है। तो बहुत जो बड़े बड़े यूट्यूबर ऑलरेडी बैठे हैं उनके लिए तो चिंदीचोर जैसा यूट्यूबर मैं हूँ, बट मेरे एंड से तो मेरा ये पैलेस जैसा, मेरा एम्पायर जैसा मुझे फीलिंग आता है, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो यही सब जो चीज़ है, आप लोगों का अच्छा अच्छा कॉमेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज़ पर व्यूज़ आना, हालाँकि बहुत पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है क्योंकि सेम काइंड ऑफ वीडियो दूसरे चैनल का जो वीडियोस है उस पर लाखों पे व्यूज़ जा रहा है, और सेम काइंड ऑफ वीडियो मेरे चैनल के जो वीडियोस है उसमें 2500-3000 व्यू। ऐसा क्या है भाई यूट्यूब भाई, ये तो आप गलत कर रहे हो, आप ये इक्वलिटी रखो, ठीक है ना, इक्वलिटी रखो। तो ये तो यूट्यूब का पार्ट हो गया गाइस। तो मैं जो अभी बोल रहा था कि ये सारे लोगों को ना अभी इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ने लगा कि यार इसका तो चैनल बड़ा हो गया, इसका तो ये हो गया, फिर ये सारे लोग मेरे टांग खिंचाई पे उतर गए। अभी जो लोग इनोसेंट होते हैं जिनको यूट्यूब के बारे में पता नहीं होता है, वो अगर इनसे पूछते हैं ना कि ये बंदा ऐसा क्या करता है, पागल है वो, अरे उसका दिमाग सही नहीं है, बट क्या है हर लोग तो बुरा नहीं सोचते हैं ना। इसमें से एक मेरा फ्रेंड है, उसके वहाँ पर कॉल आया तो मतलब बात ऐसा फैल गया कि यार बंदा कॉल करके उसको पूछ रहा था कि यार अभिषेक जो है वो कॉस्मेटिक्स का दुकान चला था तो वो पागल वागल हो गया क्या, रोड के बीचे बीच अकेला बातें करता है, मोबाइल लेकर बरबराता रहता है, ऐसा सुना हमने। तो एक्चुअली ये चीज़ ऐसा है, जो लोग इनोसेंट है उनको तो यूट्यूब के बारे में वीडियोज़ बनाने के बारे में पता नहीं है, उनको ऐसे चीज़ देखे नहीं है, विलेज का एरिया है हमारा, और जिनको पता है वो क्या उनको ऐसे आप शनाप बोल के उनका दिमाग भर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रहा है। उसके अलावा गाइस जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने हमारे यहाँ का एक आदमी है जो थोड़ा फनी वे में बात करते हैं, उनका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के मैंने मेरे फेसबुक में डाला, उस वीडियो में कुछ 15-20 हज़ार जैसे व्यूज़ आए। अभी जिस बंदे का डाला वो मतलब इनोसेंट इंसान है और उतना जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों का, अभी 20,000-25,000 व्यूज़ के लिए लोगों ने उसका दिमाग ऐसा भर दिया दिमाग, वो मुझसे आगे पैसा मांगने लगा यार कि मेरे वीडियोस से तुमने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, इसी से घर बुर बनवाया। यार हद हो जाता है हर इन सब चीज़ों का, हद है, एक हद होता है, पैसा मांग रहा है मुझसे आके, ये क्या सीन है? ये दुकान काफ़ी मेहनत के पैसे से मैंने बनाया, लोगों को ऐसा बोला जा रहा है कि ये दुकान का जो पैसा है मैंने उसका वीडियो बना के
सोशल मीडिया पे डाला, यानी कि फेसबुक पे। गाइज मैंने उसका वीडियो यूट्यूब में भी डाला भी नहीं। आप मेरे चैनल पे कहीं पे भी चेक करना, आपको एक फनी शॉर्ट वीडियो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा चैनल उस कैटेगरी का है ही नहीं। आप समझ सकते हो, जिस आदमी का मैंने वीडियो बनाया, उनका वीडियो मैं चाहता तो मेरे पास है, मैं फेसबुक से डिलीट कर दी, पर मेरे पास जो रॉ फाइल है वो है, मैं यहाँ पे क्लिप अटैच कर सकता हूँ, बट मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि ये वाले जो वीडियो से ये तो मोनेटाइजेशन पे है अभी चैनल। उस टाइम पे तो मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं था, मोनेटाइजेशन पे है, इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत आएगा, लोग और भड़काएंगे, इसलिए उसको मैं डालूंगा नहीं। बट आपको सिर्फ सीन बताता हूँ, तो एक एक लाइक का 20 रुपये करके कौन देता है यार, सोचो। ऐसे कान भरा गया है, 20-25 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक में उस शॉर्ट वाले रील को व्यू आया। उस शॉर्ट के लिए मुझे बोला गया कि मैंने 2.5-3 लाख रुपए जो है इनकम की है वो वाला वीडियो से, और जिससे मैंने ये दुकान का जो रेनोवेशन सामने है वो मैं लेके आया। गाइस काफ़ी परेशान हूँ, सोच रहा हूँ कि यार ये सारी चीज़ें बंद कर दूँ क्या, बट लोगों का काम है ये सारी चीज़ करना, क्योंकि वो लोग ना मुझसे जल रहे हैं अभी, मुझे पता है गाइस, ये सारे लोग मुझसे अभी जल रहे हैं। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्त्री सारे काम कर रहे, जो घर के मिस्त्री है वो सारे काम कर रहे थे यहाँ पे, 2-3 बाहर से मेरे यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं। वो जो आदमी मुझसे आके पैसा मांगा, मैंने बोला अभी तो नहीं है, उसको कहना मैं 10-20 रुपये फ्री में देता हूँ, क्योंकि सादा सीधा इंसान है, भोला वाला इंसान, मैं दे देता हूँ। बट अभी ना मैं वो सारी चीज़ भी, वो वीडियो जिसका बनाया ना, उसको मैं देना बंद कर दिया। 20 रुपये मांगने के लिए आया, मैं दुकान पर नहीं था, वाइफ थी, वाइफ ने मना कर दी, नहीं अभी पैसा नहीं है। हर टाइम देना पॉसिबल नहीं होता यार, मैं पैसा नहीं दिया, हमारा पैसे से दुकान वुकान बनाया यार। तो ये सारे सीन मेरे पिछले 2-2.5-3 महीने से मैं ये सारी चीज़ों का सामना कर रहा हूँ गाइस, जो कि मैंने आप लोगों को कभी बताया नहीं। बट अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है ना, इनके पिछवाड़े में मिर्ची लगा है, जिसकी वजह से ये सारे लोग ये चीज़ कर रहे हैं मेरे साथ। बट कितना इग्नोर करूँ, मैंने एक चीज़ सोचा था कि जब यार यूट्यूब से पेमेंट आएगा, फिर मैं जो है इन लोगों के मुंह पे वो तमाचा होगा, एक तगड़ा वीडियो बना के डालूंगा। नसीब इतना ख़राब है ना, मेरा समय इतना ख़राब जा रहा है ना, यूट्यूब से मुझे पेमेंट का मेल मिला है 22 जून को, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो मेल का, 5 बिजनेस वर्किंग डेज मेंशन है। मैंने 5 बिजनेस डेज वर्किंग जो मेंशन है वो मैंने वेट की 2 दिन, सैटरडे संडे हॉलीडे छोड़ के 5 डेज कंप्लीट हो गया। आज शायद 30 तारीख है, शायद आज 30 तारीख है, अभी तक मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। जिस दिन ही 5 तारीख कंप्लीट हुआ ना, मैंने देखा मेरे बैंक में पैसा नहीं आया, मैंने मेरे बैंक से संपर्क की, बैंक वाले बोल रहे यार हमारे यहाँ पे कुछ पैसा नहीं आया, हमारे अगर पैसा आता तो हम आपको बता देते, हम तो आगे कुछ कर नहीं सकते। अभी जो गूगल एडसेंस है, यानी कि यूट्यूब जहाँ पे पैसा भेजता है उनको, उनसे मैं क्या बात करूँ यार, उधर तो बात होता ही नहीं है उतना। एक मेल मैंने भेजा था, उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि देखो गाइस यूट्यूब तो पैसा देगा ही, क्योंकि देखो गाइस यूट्यूब तो पैसा भेजा ही है, क्योंकि मैं एक क्रिएटर नहीं हूँ, यूट्यूब में लाखों क्रिएटर है और करोड़ों में पेमेंट होता है यूट्यूब में, तो मेरा ये छोटा सा अमाउंट तो यूट्यूब होल्ड करके रखेगा नहीं। और रही बात बैंक की, तो बैंक तो ऐसा चिंदी चोर जैसा हरकत करेगा नहीं, क्योंकि देखो गाइस, क्योंकि उस बैंक से मैं बहुत पहले से उस बैंक से मेरा लेन देन है, मैं काफ़ी ट्रांजेक्शन किया हूँ, वैसा हरकत करेगा नहीं। तो अभी मेरा पैसा गया कहाँ यार, किधर गया मेरा पैसा, यूट्यूब बोल रहा है पैसा भेज दी, बैंक बोल रहा है आया नहीं, यार पैसा गायब हो गया, बीच में गायब पैसा मेरा। काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझसे भी कम सब्सक्राइबर वाले चैनल है ना, जो टेक चैनल यूट्यूब के नॉलेज शेयर करते, मैं उनसे भी संपर्क कर रहा हूँ, बट गाइस रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं ही एक बंदा बैठा हूँ जो हर किसी का हेल्प करने के लिए रात को आधी रात को चैटिंग करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और आज मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे बस ये सारी चीज़ जानना है, क्योंकि मैं यूट्यूब का उतना नॉलेज नहीं रखता हूँ जितना वीडियोस बनाने के लिए चाहिए उतना रखता हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस देखा जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके का बातें बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि आपको 3 महीना वेट करना है, कोई बोल रहा है 10-15 दिन वेट करना है, कोई बोल रहा है कि फर्स्ट पेमेंट थोड़ा लेट ही आता है, अभी पता नहीं क्या है, बस वेट ही कर रहा हूँ, पेशेंस बना के ही बैठा हूँ गाइस। बट अभी जो सिचुएशन है ना, मेरे एंड से सब सही है, बट हमारे यहाँ के जो लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो है ना मुंह पे मीठा बातें करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, ऐसे लोग हैं। और आपके वहाँ पे भी देखेंगे, मैं एक चीज़ बताऊँगा, आपके अगर गांव है ना, गांव में देखना आप, आपके जान पहचान में आपका 2-4 जो दोस्त है वो आपको सपोर्ट करते होंगे, बाकी से और बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो आपके तरक्की पे जेलसी पे, वो जेलसी होते हैं बस,
90% लोग जो है वो आपके बुराई के लिए सोचेंगे, 5% लोग जो है वो आपको इग्नोर करेंगे, आपसे कोई लेना देना नहीं है, और 5% जो घर के सदस्य या जो भी थोड़ा बहुत रिश्तेदार या क्लोज फ्रेंड वगैरह वो आपके भलाई के बारे में सोचेंगे। तो इतने सारे लोगों के साथ फेस करके आज के डेट पे मैं ये सोच रहा था कि गाइस जब YouTube का पेमेंट आएगा, पेमेंट का एक तगड़ा वीडियो बना के डालूंगा, तो ये जो वीडियो है उन सब लोगों के लिए तमाचा होगा जो मेरे बारे में गलत बोल रहे थे। क्योंकि गाइस मैं ऐसे ही वीडियोस नहीं बना रहा था इतने दिनों से, क्योंकि मुझे लगा था YouTube को भी पार्ट टाइम एक प्रोफेशन बनाना है, और जो कि शायद हो भी रहा है। तो इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रहा है यार, बंदा विलेज में रह के गांव में रह के डॉलर में कमा रहा है, बहुत सारी चीज़ है, ठीक है ना। तो इस वजह से गाइस पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, बट आप लोगों को सोचा कि आप लोग मेरा फैमिली हो और एक अच्छे फैमिली हो, आप मेरे से जुड़े हो, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मतलब उनसे मेरा नॉलेज या उससे मतलब नहीं है, मेरा वीडियोस उनको अच्छा लगता है, मैं अच्छा लगता हूँ, मेरा जो दुकान है वो अच्छा लगता है, मेरा जो फैमिली है वो अच्छा लगता है, इसीलिए वीडियोस देखते हैं। बहुत लोग क्या जो नॉलेज के लिए आते हैं, जिनको कॉस्मेटिक बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज चाहिए इसलिए देखते हैं। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रखना गाइस। अभी और भी बहुत सारे वीडियोस दिमाग पे है, टॉपिक है, वीडियोस बनाना है, तो जिस वजह से शायद मैं 2-3 दिन वीडियोस या तो ना डाल पाऊँ, बट जब भी ऐसे मैं मोबाइल लेके मैं वीडियोस बनाने के लिए आता हूँ, मैं काफ़ी चार्ज हो जाता हूँ अंदर ही अंदर, तो थोड़ा जो डिमोटिवेशन होता है ना तो वो फिर मेरे अंदर से हट जाता है। मैं काफ़ी पॉजिटिव सोचने वाला बंदा हूँ, तो खुद ही खुद को मतलब पॉजिटिव मैं थॉट अपने दिमाग पे डालता रहता हूँ। बट अभी देखो मेरे सामने से ही अगर उस तरीके के लोग अभी जो गुजर के गए, इतना गंदा कमेंट रात को करते हैं, मॉर्निंग उनका चेहरा आपको देखना पड़े तो कैसा फीलिंग आएगा फिर आप बताओ। कड़ी धूप में साइकिल लेके जाता था मैं सामान लाने, टूटा साइकिल था, चेन टूट जाता था, सीट खोल जाता था, बहुत मेहनत किया ये इस दुकान को खड़ा करने के लिए, और उसका जो एक्सपीरियंस है पिछले 8 साल का वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो फर्क तो पड़ेगा ना गाइस जब आपके बारे में लोग बोलेंगे यार आप पागल हो, उसका बेटा पागल हो गया, अरे वो कॉस्मेटिक्स वाला दुकानदार है ना वो पागल हो गया, तो फर्क तो पड़ता है गाइस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल एक नए ब्लॉग से कोशिश करूंगा आपसे मिलने की, और टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।